गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब हम ग्रेथोसोमा लेंगे। पहले एक ग्रेथा में तो साइक्लोस्टोमा आ गए थे, वो कर चुके हैं। जो ग्रेथोसोमा उसको बोलते हैं जिसमें ये दो बोन होती है, ये बोन मैंडिबल है, ये मैक्सिली बोन है। मैंडिबल एक है, मैक्सिली दो है, तो इनको ग्रेथोसोमा बोलते हैं जिसमें मैंडिबल और मैक्सिली बोन हो। तो ग्रेथोसोमा में ये एनिमल आते हैं, पाइसिस यानी मछलियां, फिश, एम्फीबिया यानी फ्रॉग वगैरह, रेप्टाइलिया यानी लिजार्ड स्नेक, छिपकली सांप, एव्स यानी बर्ड्स, मैमल यानी डॉग और वुमेन। इसका मतलब मैं इनको कंपेयर करूंगा, तो इन जानवरों को कंपेयर कर रहा हूं, वन बाय वन में स्टार्ट कर रहा हूं, एक एक सिस्टम स्टार्ट करूंगा इन सबके। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन हम बोलेंगे इसमें गिल्स है, मेंढक में गिल्स भी है, लंग्स भी है, स्किन भी है, बकल के जो फेरिंग्स भी है, वो मेंढक कराऊंगा जब कराता हूं। मुझे लंग, लंग और लंग। मैमल में सारे आते हैं, जो डॉग, कैट, डोंकी, लॉयन, टाइगर, सब किससे सांस लेते हैं? लंग्स से सांस लेते हैं। लंग से सांस को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग से सांस लेते सब्जेक्ट, जितने भी बर्ड्स होते हैं ये लंग से सांस लेते हैं। जो इनके साथ एयर सैक और जुड़े होते हैं लंग्स में, वो खास बात है, बाद की बात है। जो बेसिक चीज ले रहे हैं अभी हम, जो ग्रेथोस्टोमा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, जो आगे काम आएंगे। जो तो एयर्स में, बर्ड्स में पिजन हो या कोई स्पैरो हो, सब लंग्स से सांस लेते हैं। जो रेप्टाइलिया किससे सांस लेते हैं? लिजार्ड स्नेक, इनके पास भी लंग्स होता सांस लेने के लिए। जो फिश के अंदर गिल्स होती है, और एम्फीबिया के पास गिल भी है, लंग भी है और स्किन भी है। लार्वा में गिल है, अडल्ट में लंग और स्किन है। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है सभी का। जो है गिल से सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन को बोलते ब्रैंकियल, और स्किन से सांस लेते होते क्यूटेनियस। इसमें क्यूटेनियस भी है, ब्रैंकियल भी है और पल्मोनरी भी है। मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा बार बार में, जो है रेप्टाइल, बर्ड और मैमल तीनों को बोलते हैं एम्नियोटा। एक एम्नियोन मेम्ब्रेन तो चार होती है, बाद में कराऊंगा, बस एक एम्नियोन मेम्ब्रेन एक याद रख लो फिलहाल। एम्ब्रियो के चारों तरफ एक एम्नियोन मेम्ब्रेन है, तो एम्नियोटा बोलते हैं। तीनों एम्नियोटा होते हैं, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, और ये दोनों होते हैं। फिश और एम्फीबिया के बच्चे में एम्ब्रियो के बाहर, छोटे बच्चे के बाहर, एम्ब्रियो के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, एम्नियोन मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इनको बोलते हैं एम्नियोटा। इन तीनों में एम्नियोन मेम्ब्रेन है, इसलिए इनको बोलते हैं एम्नियोटा। एम्नियोटा में भी सिमिलरिटी मिलती है, और एनएम्नियोटा में आपस में सिमिलरिटी मिलती है। एनएम्नियोटा में सिमिलरिटी मिलती है, एम्नियोटा में सिमिलरिटी मिलती है। तो पहला क्वेश्चन है, एम्नियोटा में रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो हम बोलेंगे एम्नियोटा में रेस्पिरेशन पल्मोनरी होता है, लंग से सांस लेते हैं एम्नियोटा। जो रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, कोई भी लिजार्ड, स्नेक, कोई पकड़ लो, कोई बर्ड पकड़ लो, कोई मैमल पकड़ लो, सब में रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, पल्मोनरी होता है। फिश के अंदर कोई भी फिश पकड़ लो, गिल्स होती है, लंग फिश एक्स्ट्रा एक्सेप्शन है जिसमें लंग होते हैं। जो लेकिन नॉर्मली फिश में रेस्पिरेशन ब्रैंकियल है, गिल्स से। फ्रॉग में लार्वा जो होता है उसमें गिल्स होती है, तो लार्वा तो ब्रैंकियल हो गया। अडल्ट में स्किन का क्यूटेनियस और लंग्स का पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। तो दो करेक्टरिस्टिक हो गए जो कि ब्रैंकियोस्टोमा सांस कैसे लेते हैं, ये वर्टिब्रेटी कैरेक्टरिस्टिक भी है, क्योंकि साइक्लोस्टोम और शामिल कर लोगे तो वर्टिब्रेट भी आ गए। एक भाने से तुम किसके कैरेक्टरिस्टिक कर रहे हो, वर्टिब्रेट के कैरेक्टरिस्टिक मान लो इनको, या ग्रेथोस्टोमा के कैरेक्टरिस्टिक मान लो, क्योंकि इसी में साइक्लोस्टोम और शामिल कर लोगे तो वर्टिब्रेट है, और साइक्लोस्टोम को शामिल नहीं करोगे ग्रेथोस्टोमा है, क्योंकि वर्टिब्रेट दो टाइप के होते हैं, साइक्लोस्टोम यानी एक ग्रेथा और बाकी ग्रेथोस्टोमा। तो वर्टिब्रेट के कैरेक्टरिस्टिक है, ये ग्रेथोस्टोमा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद एनसीईआरटी तो अपना भी हो जाएगी। जो फिर डिटेल चलेंगे, डिटेल धीरे धीरे स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा रेस्पिरेशन हो गए, एनएम्नियोटा और एम्नियोटा हो गए, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए। जो अब आते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन, अब आओ इन सब में एक्सक्रेशन में क्या काम आता है। एक्सक्रेशन में इन सब में क्या होता है,
एक्सक्रेशन की अगर मैं बात करूं तो फिश और एम्फीबिया में किडनी होती थी मीजोनेफ्रिक, और रेप्टाइल बर्ड में किडनी होती है मेटानेफ्रिक। ये भी एक डिफरेंस हो गया, यानी वर्टिब्रेट में किडनी है, कोई भी मैमल हो डॉग कैट सब में किडनी होती है। ये सब मत सोचना किडनी हमारे अंदर ही होती है, डॉग कैट हुमैन सब में, कोई भी बर्ड्स हो पिजन स्पैरो सब में किडनी होती है, लिजार्ड स्नेक सब में किडनी होती है, कोई मछली पकड़ के देखो सब में किडनी मिलेगी, फ्रॉग वगैरह में सब में किडनी होती है। लेकिन डिफरेंस है कि मीजोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक किडनी है, इनके अलावा हम प्रोनेफ्रिक किडनी होती है। तो किडनी एक्सक्रेटरी ओवन हो गया। अब सवाल उठता है वर्टिब्रेट कौन सा एक्सक्रेशन शो करते हैं, अमोनो टेलिज्म, यूरियो टेलिज्म या यूरिको टेलिज्म? वर्टिब्रेट कौन सा टेलिज्म शो करते हैं, अमोनो, यूरियो या यूरिको? तो वो मैं बता रहा हूं, फिश जो होती है अमोनिया, यूरिया, टीएमओ, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। जो फिशेस होती है कार्टिलेजिनस फिश होती है वो यूरियोटेलिक होती है, यूरिया निकालती है। बोनी फिश होती है वो अमोनिया निकालती है, अमोनोटेलिक का टीएमओ केमिकल होता है, ट्राइमिन मिथाइल, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, ये केमिकल निकाल देती है फिशेस जो है बोनी फिश। तो अमोनिया, यूरिया, टीएमओ, यूरिक एसिड नहीं निकालती फिशेस जो है यूरिन के अंदर। एम्फीबिया, एम्फीबिया अमोनिया भी निकालता है और यूरिया भी निकालता है। फिश का लार्वा पानी के अंदर होता है वो अमोनोटेलिक है, वो अमोनिया निकालता है। अडल्ट मेंढक हमारे जैसा है, हम भी यूरिन में यूरिया निकालते हैं और मेंढक भी अडल्ट से यूरिया निकालता है। अच्छा, मैमल तो यूरिया हो गए, यूरियोटेलिक है मैमल, मैमल जो होता है वो यूरियोटेलिक होते हैं, जो उनके यूरिन में यूरिया होता है। कोई भी किसी का यूरिन देख लो, डॉग कैट कैमल पिग सबके यूरिन में यूरिया मिलेगा, जो सब यूरियोटेलिक है। बर्ड्स यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक बर्ड्स के यूरिन में यूरिक एसिड होता है। बर्ड्स के यूरिन में एक मूवी थी जो है, कभी यूरिक एसिड देखा तुमने बर्ड्स का? जो एक मूवी थी, मैं बच्चों से कहते पूछता हूँ, इश्क मूवी थी, उसमें वो विलन नहीं होता, उस किसका फादर होता है जो है, लड़की का फादर होता है, अमीर जो होता है उसके ऊपर वो गंजा होता है और उसके ऊपर कोई बर्ड्स आता है और वो यूरिक एसिड आ जाता है, सारा सफेद सफेद हो जाता है उसका जो। तो मैं बताना चाह रहा हूँ यूरिक एसिड, ये डिफरेंस करना उसके फेसिस और यूरिक एसिड को डिफरेंस करना। फेसिस में तो दाने दाने से मिलेंगे उसके जो, लैटिन जो होगा उसमें, लेकिन उसका यूरिन जो होता है वो गाढ़ा होता है काफी ज्यादा, सफेद सफेद होता है, यूरिक एसिड होता है वो। तो बर्ड्स में यूरिकोट, बर्ड्स सारे यूरिकोटेलिक होते हैं, कोई भी बर्ड्स हो, कोई एक्सेप्शन नहीं, बर्ड्स में यूरिकोटेलिक होते सारे। मैमल सारे यूरिकोटेलिक होती है, एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन फ्रॉग में भी दो मिलेंगे, फिश में भी दो टाइप का एक्सक्रेशन मिलता है, अमोनिया यूरिया, अमोनिया यूरिया। रेप्टाइल में तीन मिलते हैं, जो कुछ रेप्टाइल अमोनिया रिमूव करेंगे, कुछ यूरिया करेंगे, कुछ यूरिक एसिड करेंगे। रेप्टाइल अमोनिया भी रिमूव करेंगे, यूरिया भी करेंगे और यूरिक एसिड भी करेंगे। जो तो ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है रेप्टाइल के, रेप्टाइल में तीनों एक्सक्रेशन मिल रहे हैं। तो किडनी है, लेकिन किडनी यूरिन में क्या निकाल रही है, अमोनिया निकाल रही है, यूरिया भी निकाल रही है, यूरिक, यानी वर्टिब्रेट में कोई जनरल नहीं है कि एक चीज यूरिन में निकलेगी। किसी में किडनी अमोनिया निकाल रही है, किसी में किडनी यूरिया निकाल रही है, किसी में किडनी यूरिक एसिड निकाल रही है। तो एक एक ग्रुप में तीन तीन टाइप के एक्सक्रेशन शो कर रहे हैं एनिमल। तो ये था एक्सक्रेशन कि वर्टिब्रेट या ग्रेथोसोम एक्सक्रेशन कैसे करते हैं, यूरिन में क्या निकालते हैं और किडनी का नाम कौन सी टाइप की किडनी है इनके अंदर। चलो, ये था एक्सक्रेशन और रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, दूसरा होता है रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन के अलावा सर्कुलेशन, हार्ट टू चैम्बर होता है। इसका
थ्री चैम्बर रेप्टाइल का कई जगह थ्री चैम्बर लिखा है एनसीईआरटी में, जो स्टैंडर्ड की बुक है उनमें इनकम्प्लीट फोर चैम्बर लिखा है। बर्ड और मैमल में कंप्लीट फोर चैम्बर होता है। हार्ट की अगर मैं चैम्बर की बात करूं तो फिशेस का हार्ट टू चैम्बर होता है, याद रख लेना, वो साइक्लोस्टोमेटा वाला। साइक्लोस्टोम का भी तो हार्ट टू चैम्बर था, सिलेप्रे का, एक आट्रियम एक वेंट्रिकल। ज्यादा डिटेल में बाद में कराऊंगा, जो जब टॉपिक लेंगे तब कराऊंगा। जो बर्ड मैमल में दो आट्रियम दो वेंट्रिकल, इसलिए फोर चैम्बर होगी, दो आट्रियम दो वेंट्रिकल। ऐसे बर्ड और मैमल में ऐसे ये दो आट्रियम होगी लेफ्ट और राइट, दो वेंट्रिकल होगी लेफ्ट और राइट। ए का मतलब आट्रियम, ए का मतलब आट्रियम, बी का मतलब वेंट्रिकल। ए का मतलब आट्रियम वेंट्रिकल बी, तो दो आट्रियम दो वेंट्रिकल होती बर्ड और मैमल दोनों में, तो इसलिए फोर चैम्बर हार्ट है बर्ड्स और मैमल्स का। रेप्टाइल के अंदर एक छेद होता है वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए इसमें इनकम्प्लीट फोर चैम्बर बोलते हैं, जो इनकम्प्लीट फोर चैम्बर बोलते हैं इसको रेप्टाइल के अंदर जो। लेकिन कुछ बुक वाले बोलते हैं थ्री चैम्बर हार्ट होता है, जो भी एनसीईआरटी वाला थ्री चैम्बर माने भाई थ्री चैम्बर मानना पड़ सकता है, वरना होता है इनकम्प्लीट फोर चैम्बर। अच्छा, फ्रॉग का तो थ्री चैम्बर हार्ट है, फ्रॉग का थ्री चैम्बर हार्ट है, आरटीएम दो है लेफ्ट और राइट, वेंट्रिकल एक है। लेकिन फिश का हार्ट एक आरटीएम है और एक वेंट्रिकल है, एक आरटीएम है एक वेंट्रिकल है। और इसकी ज्यादा डिटेल मैं फिश के अंदर लूंगा कि किस तरह से इसका हार्ट वीनस हार्ट होता है, वीन की तरह से ब्लड होता है, और किस तरह से इसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन मिलता है। जो अब पूरा सर्कुलेशन मैं नहीं करा रहा, मैं सिर्फ ग्रेथोस्टोमा करा रहा हूं, फिश नहीं करा रहा जो अभी, मैं ऐसे नहीं करा रहा कि तुम बोलोगे जी फिश है तो ये खराब ब्लड है, तो पहले गिल से ऑक्सीजन ले लेगा, फिर वो ब्लड हो गया अच्छा अच्छा होगा तो ऑर्गन को दे देगा, फिर खराब हो गया फिर वो हार्ट ले लेगा, इसको सारे ऑर्गन को एक रूट में ब्लड दे दे, इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। सिंगल सर्कुलेशन मैं फिश में कराऊंगा ज्यादा डिटेल में जो। और ऑर्गन का ब्लड आया है इसलिए ऑर्गन का ब्लड डीऑक्सीनेटेड होता है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया है ऑर्गन का, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया है ऑर्गन का तो ऐसे हार्ट को क्या बोलोगे, वीनस हार्ट बोलेंगे, जो वीन जैसा ब्लड है डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वीन में खराब ब्लड होता है हार्ट में भी खराब ब्लड है। तो सिंगल सर्कुलेशन वगैरह मैं बाद में कराऊंगा, अभी ये करवा नहीं रहा हूं, बेसिक मैं ले रहा हूं आखिर ग्रेथोस्टोम्स में क्या होते हैं, वर्टिब्रेट होते क्या है। तो चैम्बर बताइए मैंने, जब भी हार्ट में चैम्बर बढ़ जाती है, यहां एक आर्टरी एक वेंट्रिकल, यहां हार्ट में चैम्बर दो हो गई, आर्टरी दो हो गई, इनमें आर्टरी और वेंट्रिकल दोनों जो चैम्बर दो से ज्यादा होते हैं डबल सर्कुलेशन चल पड़ता है, डबल सर्कुलेशन। इनकी डिटेल हम आगे लेंगे। फिशेस के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, साइक्लोस्टोम के अंदर भी सिंगल सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और बाकी ऑर्गन को एक रूट में ब्लड दे देंगे, लेकिन जहां डबल सर्कुलेशन वहां लंग्स जरूर मिलेगा, जो एक साइड से लंग्स को ब्लड दिया जाएगा एक साइड से बाकी के ऑर्गन को ब्लड दिया जाएगा, इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो डबल सर्कुलेशन सब में होता है, एम्फीबिया रेप्टाइलिया एवस मैमेलिया। बर्ड और मैमल में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड बिल्कुल सेपरेटेड हो तो डबल सर्कुलेशन कंप्लीट बोलते हैं, और थोड़ा ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है इस वेंट्रिकल में एम्फीबिया रेप्टाइल में, उसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं जो। तो बाद में कराएंगे हम जो इस सारी डिटेल बाद में लेंगे कि एक ही रूट में सारा ब्लड दे दे तो उसको बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन फिश के अंदर। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन को अलग ब्लड दिया जाए और बाकी के ऑर्गन को अलग ब्लड दिया जाए तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का ब्लड अगर मिक्स नहीं हो रहा तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, ब्लड मिक्स होकर जा रहा है तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ये बाद में हम लेंगे। तो अभी तक क्या क्या डिफरेंस दिया मैंने इन चारों इन सारों में वर्टिब्रेट या ग्रेथोस्टोमा में, सबका रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताया, गिल्स है लंग्स है स्किन, सबका एस्केटिव ऑर्गन बताया किडनी वगैरह, सब में मेम्ब्रेनली एमनियोन वाली मेम्ब्रेन, और भी मेम्ब्रेन होती है एमनियोन कोरियोन, ये बाद में कराएंगे अभी नहीं करा रहा मैं, जो बेसिक चीज ले रहा हूं बिल्कुल मामूली मामूली चीज छोटी छोटी चीज ले रहा हूं मैं, जो डिटेल में अंदर घुसेंगे बाद में हम जो। और सर्कुलेटरी हार्ट की चैम्बर बताई और सिंगल सर्कुलेशन या
डबल सर्कुलेशन बताया मैंने, जो है सिंगल या डबल सर्कुलेशन बता दिया जो। अब मैं लूंगा अगला क्वेश्चन, और क्या लिखते हैं, और जो है इनमें डिफरेंस अब इसमें डिफरेंस ये है, मैं कुछ टर्म ले रहा हूं, कुछ मैं पहले छोटे छोटे करा दे, चलो एनएस का मिलता ओपर गुलम का मिल, एनएस का मिलता क्लोका का मिलता, तो हम बोलेंगे क्लोका एम्फीबिया में, रेप्टाइलिया में, बर्ड में, मैमल में एनएस होता है लेकिन एल ए मैमल में क्लोका होता है, बोनीफिश में एनएस होता है, बोनीफिश में एनएस होता है, कार्टिलेजिनस फिश में क्लोका होता है, और एक कार्टिलेजिनस है जिसमें क्लोका होता है, सॉरी सारी कार्टिलेजिनस में क्लोका है, एक है रेडफिश उसमें एनएस होता है। अगर तुम्हारे को ये बोल दिया जाए ये भाई पूरी दुनिया के वर्टिब्रेट है और इनमें बताओ कल क्लोका का है या एनएस का है, तुम्हारे से ये पूछ लिया बता डॉग के अंदर क्लोका या एनएस, बोलो जी मैं एनएस है, कैट के अंदर बता, लॉयन के अंदर बता, टाइगर के अंदर बता, एनएस, उससे सिर्फ फेसिस फेसिस बाहर आएगा, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा वो बाहर आएगा, यूरिन नहीं आएगा उधर के बाहर, ठीक है। लेकिन कोई मैमल है जिनमें क्लोका है, क्लोका से यूरिन भी आता है, स्पर्म भी बाहर आते और फेसिस भी बाहर आता है, कोई है मैमल, एग नहीं मैमल, कोई पक्षी पकड़ के लिया है, मैं बोलिए स्पैरो है, बता इसमें एनएस है क्लोका, तो बोलोगे बर्ड्स कोई भी हो क्लोका होगा, उसी के थ्रू यूरिन, उसी के थ्रू स्पर्म, उसी के थ्रू फेसिस, कोई सांप पकड़ा दिया बोले जी क्लोका, मेंढक पकड़ा दिया क्लोका, कार्टिलेजिनस फिश पकड़ा दी क्लोका, तो मैमल की जैसी और कौन है जिसमें एनएस होता है, बोनीफिश, मैमल की तरह से बोनीफिश है जिसमें एनएस होता है, और एक कार्टिलेजिनस फिश एक्सेप्शन है रेडफिश, मैं बाद में लूंगा इनकी डिटेल, अभी बेसिक चीजें ले रहा हूं, बिल्कुल जनरल चीजें ले रहा हूं। तो ये डिफरेंस था क्लोका कहां है वर्टिब्रेट में और एनएस कहां है वर्टिब्रेट के अंदर, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आरबीसी, सबका आरबीसी फिर से लेके बाहर तक न्यूक्लिएटेड है, उनमें न्यूक्लियस है, ओवल है, बाई कन्वेक्स है, ऐसे। लेकिन मैमल के आरबीसी ऐसे सर्कुलर है, बाइकन की ओर, आरबीसी जो है सभी के इस दुनिया में इनवर्टिब्रेट में तो आरबीसी मिलते नहीं है, नॉन कोडेड में आरबीसी नहीं मिलते, तो वर्टिब्रेट की अगर बात करें तो आरबीसी है ओवल है, एग लाइक है, वो दोनों तरफ से कन्वेक्स है, और न्यूक्लियस है, और बाकी के ऑर्गेनेल भी है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी बाकी के ऑर्गेनेल भी है, लेकिन मैमल का आरबीसी सर्कुलर बाइकन की है और न्यूक्लियस नहीं है, ना न्यूक्लियस ना ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस नहीं है। क्या कोई मैमल है, क्या कोई मैमल है जिसमें न्यूक्लियस है, वो दो है जिनमें एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक है, कैमल और लामा, कैमल और लामा, ये दो ऐसे मैमल है जिनमें फिश एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड जैसे आरबीसी होते हैं, फिश एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड जैसे आरबीसी होते हैं कैमल में और लामा में, इनमें सर्कुलर बाइगन के भी रहेंगे, और बगैर न्यूक्लियस सब मैमल में सर्कुलर बाइगन के और नॉन न्यूक्लियस बगैर न्यूक्लियस के, और सब में कैमल लामा में और सब में न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनली वाले आरबीसी होते हैं। चलो ये आरबीसी का, अब आरबीसी के बाद आते हैं
ओसिपिटल कोंडाइल। हमारे शरीर में सिर के पीछे ये बोन होती है ओसिपिटल, क्रेनियम, क्रेनियम में 8 बोन होती है, एक बोन ये भी है ओसिपिटल बोन बोलते हैं इसको। इस बोन में नीचे की तरफ 2 उभार है, ये ओसिपिटल बोन है, इसमें 2 उभार है, इन उभार को बोलते हैं कोंडाइल। हमारी ओसिपिटल बोन जो है उसमें 2 उभार है, कोंडाइल बोलते हैं, और कोंडाइल 2 हो तो स्कल को बोलते हैं डाइकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक स्कल। और फिश के अंदर भी डाइकोंडाइलिक स्कल, लेकिन एम्फीबिया रेप्टाइल और बर्ड्स के अंदर मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है, एक कोंडाइल होता है, और जिसमें एक कोंडाइल होगा उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा पॉसिबल होगा। बर्ड्स वगैरह की कभी गर्दन देखना पूरी घूम जाती है यूं यूं यूं, क्योंकि एक ही कोंडाइल घुमा देता है, हमारे अंदर 2 कोंडाइल है बस यूं यूं घूमेंगे। जो ओसिपिटल कोंडाइल होते हैं, जो हमारी पहली वर्टिब्री एटलस नाम की वर्टिब्री होती है, पहली वर्टिब्री कौन सी है, फर्स्ट वर्टिब्री, 33 वर्टिब्री है, उसमें पहली का नाम है एटलस, यस बोन। और एटलस वर्टिब्री में 2 गड्ढे हैं जो ओसिपिटल कोंडाइल में फिट हो जाएंगे। तो डाइकोंडाइल स्कल बोलते हैं, अगर 2 कोंडाइल है, एक कोंडाइल है तो मोनोकोंडाइल स्कल। तो फिश और मैमल में डाइकोंडाइलिक, इनमें मोनोकोंडाइलिक। तुम बोलोगे कि कॉकरोच में कौन सी कोंडाइल, कॉकरोच में क्या बोन होती है, जो कॉकरोच तो इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट नॉन कॉर्डिनेट में बोन वगैरह थोड़ी होती है, जो बैकबोन भी नहीं होगी जो, तो ये कहां से मिलेंगे, ये क्रेनियम बोन है उसमें है ये कोंडाइल। तो जो तो तुम बोलोगे प्रोटोकॉर्डेट में, प्रोटोकॉर्डेट को तो एक रेनिनेटर बोलते हैं, क्रेनियम बोन की ये कोंडाइल होती है, तो ये प्रोटोकॉर्डेट में थोड़ी आएगी कोंडाइल है या नहीं है, जो कोंडाइल तो वर्टिब्रेट का है जो। अच्छा ये भी डिफरेंस होगा कोंडाइल का। फर्टिलाइजेशन, सब के सब यूनिसेक्सुअल, या तो मेल अलग फीमेल अलग, यूनिसेक्सुअल 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 यूनिसेक्सुअल, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। और यूनिसेक्सुअल एनिमल में गैमेट अलग अलग मेल और फीमेल के गैमेट जुड़ते हैं, तो बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सीएफ लिख देता हूं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। फिश से लेके मैमल तक सब में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म अलग आता है, एग अलग आता है, दोनों जुड़ जाते हैं। लेकिन सवाल होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो हम बोलेंगे रेप्टाइल बर्ड मैमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और फिश एम्फीबिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और इंटरनल भी है। कार्टिलेजिंग फिश जो है मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करती है, बोनी फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो होती है, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन कुछ एम्फीबिया ऐसे भी है जिनमें बच्चा पैदा होता है, अरे बच्चा पैदा होगा तो अंदर से पैदा हो गया है तो अंदर के स्पर्म एग जुड़े हैं, तो जहां व्यूवी पैरा सरीमन सारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। तुम यू ले लो रेप्टाइल बर्ड मैमल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया तब की तब बच्चा बाहर आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं ओविपैरस, ये तो 2 हो गए ओविपैरस हो गए, रेप्टाइल भी ओविपैरस है बर्ड भी ओविपैरस है, ये भी ओविपैरस है। रेप्टाइल और बर्ड्स में तो मुझे इनमें तो क्लोका था, देखो मैं 2 बर्ड्स ले लेता हूं, ठीक है मैं 2 बर्ड्स ले रहा हूं, ये 2 बर्ड, ये बर्ड और ये बर्ड, इसका ये क्लोका, इसका ये क्लोका, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, क्लोका से क्लोका जुड़ जाएगा इससे, और एक स्पर्म को डाल देगा दूसरे के क्लोका में, अंदर गैमेट जुड़ गए, जायगोट बन गए, फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग बनकर अंडा बाहर आ गया, तो ऐसे जीवन को ओविपैरस बोल दिया। तो रेप्टाइल बर्ड में ऐसे होता है, क्लोका जुड़ जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में तब की तब वो बच्चा बाहर आ जाता है, तो वो ओविपैरस होता है, अंडे बाहर आ जाते हैं। वुमेन वगैरह में ओविपैरस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद लंबे समय तक अंदर रहेगा, प्लेसेंटा से फूड लेगा, लेट बाहर आएगा, उसको ओविपैरस बोलते हैं। तो रेप्टाइल बर्ड मैमल तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन रेप्टाइल बर्ड ओविपैरस है और मैमल ओविपैरस है।
पाइसिस और एम्फीबिया की अगर बात करूं तो फर्टिलाइजेशन क्या है इसकी, पाइसिस एम्फीबिया में, पाइसिस एम्फीबिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनको ओविपारसी बोलते हैं। तो क्या फिश वीवीपैरस होती है, होती है, कार्टिलेज फिश ज्यादातर वीवीपैरस होती है, जो कुछ एम्फीबिया भी वीवीपैरस है, तो मैं बाद में कराऊंगा जब डिटेल वन बाय वन लेगा कराऊंगा, बेसिक बेसिक बातें करा रहा हूं मुझे, ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा, बेसिक बातें करा रहा हूं मुझे। तो ये था रिप्रोडक्शन, लार्वा नॉर्मली नहीं है इनके अंदर, जो एंगुला फिश में एक लार्वा मिला है लेप्टोसिफेलस, लेप्टो एंगुला फिश है, एंगुला फिश उसमें लार्वा है लेप्टोसिफेलस, और फ्रॉग का लार्वा टैडपोल है जो, और नॉर्मली लार्वा नहीं होता, तुम सोचो कि पक्षी का लार्वा मिलेगा या डॉग का लार्वा मिलेगा कैट का लार्वा मिलेगा, इनके लार्वा नहीं होते, जो फिश का लार्वा मिलेगा ना, लार्वा वर्टिब्रेट के अंदर नहीं होते, एक्सेप्शन है फ्रॉग में टैडपोल और एंगुला बोनीफिश में लेप्टोसिफेलस, इनमें लार्वा मिलता है, नॉर्मली लार्वा नहीं होता। तो डेवलपमेंट वर्ड तुम खुद लगा लो, डायरेक्ट हुआ इनडायरेक्ट हुआ, लार्वा है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, नहीं तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, लिख लेना आप जो, मैं क्या लिखूं इसमें से, लिख लेना बेटा ये अपना लिख लेना, डायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि लार्वा है तो लिखो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है और लार्वा नहीं है तो लिखो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। चलो ये भी हो गया। स्केलेटन, स्केलेटन की अगर बात करूं तो हार्ड चीजों को स्केलेटन बोलते हैं, बॉडी के बाहर स्केलेटन होता है एंडो बोलते हैं, बॉडी के अंदर होता है एंडोस्केलेटन, स्केलेटन बॉडी के बाहर हो तो एक्सो बोलते हैं, बॉडी के अंदर हो तो एंडो बोलते हैं। तो फिशेस के अंदर तो स्केल होते हैं, तो फिशेस के अंदर डर्मल स्केल होते हैं, डर्मिस से बनते हैं, उनको मीजोडर्मल बोलते हैं, स्किन का जो डर्मिस होता है वो मीजोडर्मल होता है। एपिडर्मल स्केल जो होते हैं वो रेप्टाइल बर्ड्स में एपिडर्मल स्केल मिलेंगे। स्किन के दो पार्ट होते हैं एपिडर्मिस डर्मिस, एपिडर्मिस बनता है एक्टोडर्मिस से, डर्मिस बनता है मीजोडर्म से, तो डर्मल स्केल है तो मीजोडर्म से अपना बन गए जो, और इनके स्केल होंगे एपिडर्मिस से बनेंगे, इसलिए एपिडर्मल स्केल वो एक्टोडर्मल और एपिडर्मिस एक्टोडर्म से बनता है। स्किन के अंदर दो पार्ट होते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस, एपिडर्मिस एक्टोडर्म से बनता है, डर्मिस मीजोडर्म से बनता है, इसलिए अगर डर्मल स्केल कोई होगा तो मीजोडर्मल होगा, मीजोडर्म से बना डर्मिस से बना, एपिडर्मिस बना एक्टोडर्म से, तो इस स्केल को क्या बोलोगे एपिडर्मल स्केल को, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होगा। और बर्ड्स में फैदर होंगे पंख वगैरह, हमारे अंदर नेल है, नाखून, क्लॉ या पंजे है, हूफ या खुर है, पशुओं में खुर होते हैं जो, हूफ क्लॉज पंजे नेल नाखून ये सब एक्सोस्केलेटन है, और एंडोस्केलेटन तो बोन और कार्टिलेज का होगा ही होगा। सब में क्या मिलेंगे एम्फीबिया से लेकर मैमल तक, मेन तो बोन है, बोन मेन मिलेगी एम्फीबिया से मैमल तक, कुछ कार्टिलेज मिलेंगे, सम कार्टिलेज। यहां बोनी फिश में तो बोन भी मिलेगी, लेकिन कार्टिलेज में कार्टिलेज मिलेगा, कार्टिलेज फिश जो है उसमें कार्टिलेज मिलेगी, इसमें बोन मिलेगी, बोनी फिश में बोन मिलेगी, और मैंने हमारे तो पता ही है बोन कार्टिलेज दोनों है, तो रेप्टाइल बर्ड दोनों में बोन कार्टिलेज है, बोनी फिश में बोन है, कार्टिलेज फिश में कार्टिलेज है, तो बोन कार्टिलेज भी स्केलेटन भी आ गया, बोन कार्टिलेज में एंडोस्केलेटन है, बॉडी के अंदर का स्केलेटन है जो बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, और बॉडी के बाहर स्केल में स्केल हो गए बॉडी के बाहर, ये सारे नाखून वगैरह क्लॉज पंजे वगैरह जो ये सब एक्सोस्केलेटन में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ग्रेथोसोमा या वर्टिब्रेट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये जो, और इसके स्केलेटन में आ गए जो बोन और कार्टिलेज मीजोडर्म होती, मीजोडर्म से बनती बोन कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज जो बनती मीजोडर्म से बनती, मीजोडर्म से बनता हूं बोन कार्टिलेज मीजोडर्म से बनती है। अब हम लेंगे पहले वीडियो देख लेता हूं सही बन रहा है नहीं बन रहा जो है, ठीक बन रहा जो है। अब आओ वर्टिब्री पे आओ,
वर्टिब्री का ये चौड़े वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं सेंट्रम। बाकी का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं वर्टिब्रल आर्क। ये एक वर्टिब्रा है, एक वर्टिब्रा है चौड़े वाले हिस्से को सेंट्रम बोलते हैं। सेंट्रम के अकॉर्डिंग वर्टिब्रा कई टाइप के, इस वर्टिब्रा को बोलेंगे प्रोसिलस। जिस वर्टिब्रा में ऊपर की तरफ कैविटी हो उसको बोलते हैं प्रोसिलस। जिस वर्टिब्रा में नीचे कैविटी हो उसको बोलते हैं ओबिस्पोसिलस। इसको बोलते हैं एम्फिसिलस। वर्टिब्रा में कैविटी ऊपर नीचे होता है एम्फिसिलस। दोनों तरफ से फैला हुआ होता है एसिलस। और ऊपर कैविटी भी है और उवार भी है, कैविटी भी है नीचे ऊपर उवार भी है, इसको होता है हेटरोसिलस। कैविटी इसमें किधर है कैविटी? अपर साइड में, अपर साइड में कैविटी है। इसमें कैविटी कहां है? लोअर साइड में। इसमें फ्लैट है, दोनों तरफ से फ्लैट है, फ्लैट बोथ साइड। इसमें कैविटी दोनों तरफ, कैविटी बोथ साइड। सारी डिटेल आगे आएंगी। जो अगर वर्टिब्री में ऊपर कैविटी हो तो वर्टिब्री को बोलेंगे प्रोसिलस, नीचे कैविटी हो तो बोलेंगे ओबिस्पोसिलस। दोनों तरफ कैविटी ऊपर नीचे तो बोलेंगे एम्फिसिलस। एम्फी मतलब सिलस मतलब कैविटी, प्रो मतलब ऊपर पहले की तरफ, प्रो मतलब पहले की तरफ, ओबिस्पो मतलब पीछे, ओबिस्पो मतलब पीछे होता है। एम्फी मतलब दोनों तरफ, दोनों तरफ कैविटी तो एम्फिसिलस। ए मतलब अब्सेंस, फ्लैट है ये, और ये हाइड्रोसिलस होती है। एग्जाम्पल याद रखना है, भूल जाता है स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल, पता नहीं है। मैं बोलूंगा बताओ कॉकरोच के अंदर कौन सी वर्टिब्रे मिलेगी? बोल जी कॉकरोच के कोई वर्टिब्रेट है, वर्टिब्री तो वर्टिब्रेट में मिलेंगी, कॉकरोच में कहां मिलेंगी, इनवर्टिब्रेट में कहां मिलेंगी? तो बताओ फिर इनमें कौन सी वर्टिब्री कहां मिलती? तो मैं बोलूंगा बर्ड्स में मिलती है हाइड्रोसिलस, और कहीं नहीं मिलती बर्ड्स में। हाइड्रोसिलस वर्टिब्री बर्ड्स के अलावा कहीं नहीं, बर्ड्स के अलावा हाइड्रोसिलस वर्टिब्री कहीं नहीं। एसिलस वर्टिब्री मैमल के अंदर होती है, ये हमारे अंदर एसिलस, एसिलस वर्टिब्री हमारे अंदर, एसिलस वर्टिब्री हमारे अंदर मेंढक के अंदर भी। कितनी बची? तीनों वर्टिब्री एम्फीबिया में मिलती है। जिस तरह से रेस्पिरेशन बहुत टाइप का मिलता है एम्फीबिया में, उसी तरह से वर्टिब्री भी बहुत ज्यादा टाइप मिलती है एम्फीबिया के अंदर। एम्फीबिया में बहुत टाइप की वर्टिब्री मिलती है जो, और एसिलस बचगी। कौन से एम्फीबिया में कहां मिलती है वो मैं डिटेल में कराऊंगा, तब कराऊंगा। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, छोटी छोटी बात बता रहा हूँ जो वर्टिब्रेट में हमें हमारे ग्रंथोस्टोमा के अंदर होती है, जो ग्रंथोस्टोमा का करैक्टरिस्टिक है या वर्टिब्रेट का जो करैक्टरिस्टिक है वो थोड़ी थोड़ी ले रहा हूं मैं अभी। अच्छा अब लेते हैं टीथ। टीथ लेंगे पहले नर्वस सिस्टम ले लेते हैं ना, नर्वस सिस्टम ले लेते हैं और रीनल बॉडी सिस्टम ले लेते हैं। नर्वस सिस्टम लो, रीनल मोटर सिस्टम लो, और टीथ लो। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो मैं बोलूंगा नर्व्स होती है क्रेनियल नर्व, जो ब्रेन से अराइज होती है। अमीनोटा के अंदर 12 पेयर क्रेनियल नर्व है, तीनों में मेटानेफ्री किडनी है और तीनों में 12 पेयर क्रेनियल नर्व है। 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है अमीनोटा के अंदर, रेप्टाइलॉइड मैमल में। एनअमीनोटा में होती है 10 पेयर, फिश एम्फीबिया में 10 पेयर क्रेनियल नर्व होती है, और रेप्टाइलॉइड मैमल में क्रेनियल नर्व कितनी होती है? नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व 12 पेयर। ये नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन,
ब्रेन से निकलेंगे क्रेनियल्स, 12 पेयर होते रेप्टाइल वर्टेब्रा में, फिर संधिविया में होते 10 पेयर क्रेनियल्स। अच्छा, साइक्लोस्टोम में मैंने बताया था हैगफिश में 8 पेयर थी और सी लैम्प्रे में 10 पेयर थी, तो ये क्रेनियल नंबर बोलो जी प्रोटोकॉर्डेट में, नॉन कॉर्डेट में, वहां ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है ही नहीं, तो स्पाइनल क्रेनियल वर्ड इस्तेमाल नहीं करो क्रेनियल स्पाइनल, तो इसमें हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व जो होती है, तो क्रेनियल नर्व होती है 12 पेयर होती है, 24 क्रेनियल नर्व होती है रेप्टाइल बर्ड में, एम्ब्रियोटा में, इनमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व होती है, और बाकी का डिफरेंस जो है नर्वस सिस्टम के हम बाद में लेंगे जो है, इन सारी डिटेल लेंगे तब जो है, बेसिक दो दो मैंने मामूली मामूली सी बातें बता रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा डिटेल लिया था हमने कोऑर्डिनेटिक कैरेक्टरिस्टिक में, अब थोड़ी सी डिटेल और फालतू ले लेंगे, फिर जब एनिमल पकड़ेंगे तो और डिटेल में घुस जाएंगे, अभी बेसिक बातें चल रही है सारी बातें जो, तो इनको डिटेल में लेंगे हम। रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है? रीनल पोर्टल सिस्टम तो हम बोले रीनल पोर्टल सिस्टम होता है पैरों का ब्लड किडनी में जाना, लिम्स का ब्लड पहले किडनी में जाएगा फिर बाद में हार्ट में जाएगा, तो रीनल पोर्टल सिस्टम लिम्स का या पीछे शरीर के पीछे के पार्ट का ब्लड किडनी को जाना, व्हेन ब्लड फ्लो या ब्लड इज सप्लाई टू किडनी बिफोर हार्ट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के नीचे वाले हिस्से से खून कहां जा रहा है? किडनी को जा रहा है, हार्ट को नहीं जा रहा है, रीनल पोर्टल सिस्टम। तो हम बोलेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम फिर एम्फीबिया में वेल डेवलप होता है, फिर एम्फीबिया में वेल डेवलप, रेप्टाइल बर्ड में लेस डेवलप और मैमल में एब्सेंट, फिर एम्फीबिया वेल डेवलप, रेप्टाइल बर्ड लेस डेवलप, मैमल में एब्सेंट, कौन सा पोर्टल सिस्टम? रीनल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम और भी होते हैं वो मैं धीरे धीरे कराऊंगा जो है, जब वन बाय वन लेऊंगा तब जो, ठीक है। अब लेते हैं टीथ, टीथ तो टीथ से पहले मैं फिश की टीथ लूं क्या पहले, तो और चीज छूट जाएगी मेरी जो है, टीथ तो मैं आगे ले लूंगा जो, मैं पहले फिंस बता रहा हूं कितने टाइप की होती है, फिंस टाइप ऑफ फिंस इन फिशेस, फिश के अंदर कितने टाइप की फिंस होती है, एक तो ये होती है, इसको बोलते हैं हेट्रोसर्कल फिन, ये होती है हेट्रोसर्कल फिन, और एक होती है इसको बोलते हैं हाइपोसर्कल फिंस, एक होती है ऐसे होमोसर्कल फिन, एक होती है ऐसे इसको बोलते हैं डाइफाइसर्कल फिन, और एक होती है ऐसे प्रोटोसर्कल फिन, इस फिंस के अंदर क्या होता है एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, एक तरफ बड़ी एक तरफ छोटी है, इसको हेट्रोसर्कल फिन बोलते हैं, और ये कार्टिलेजिनस फिश मिलती है, कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश में ये वाली फिन मिलती है, ठीक है। चलो होमोसर्कल फिन बोली फिश मिलती है जो ये वाली सिमेट्रिकल है, ये जो इधर भी बराबर है, ये मिलेगी बोनी फिश में, और ये सिमेट्रिकल होती है, जो सिमेट्री होती है इसमें, होगी तो और डाइफाई सर्कल फिंस लंग फिश में मिलती है और कोलोकंथ में मिलती है, ये एक पॉइंट पे मिल गई, एक पॉइंट पे मिल गई, प्रोटोसर्कल फिंस साइक्लोस्टोम में मिलती है, लैम्प्रे में मिली, लैम्प्रे के अंदर प्रोटोसर्कल होती है दोनों तरफ से उभरी हुई है ऐसे, और हाइपोसर्कल फिंस ऑस्ट्रोकोटम में मिलती है,
पोस्ट्राकोटमी है। पोस्ट्राकोटमी कुछ फीसदी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है उनमें मिलती है। अब मैं लेऊंगा टीथ, टीथ पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो जाएगा हो जाएगा। टीथ कितने टाइप है? दांत अगर बोन के अंदर गड्ढे में हो, यह सॉकेट, सॉकेट में तो गड्ढा, बोन के सॉकेट में हो, सॉकेट गड्ढा, बोन हड्डी है, उस बोन या हड्डी है उसके अंदर गड्ढे में दांत रहेंगे, इस दांत को बोलेंगे थिकोडोंट। और बोन अगर ये बोन है इसके सरफेस पे दांत लग गया तो डाइक्रोडोंट, और ये बोन है इसके साइड से दांत निकले तो बोलेंगे प्लूरोडोंट। दांत पूरी पूरी लाइफ में एक बार आए, टीथ अपनी पूरी लाइफ में एक बार आए तो बोलते हैं मोनोफाइलर टीथ। मोनोफाइलर टीथ क्या होते हैं? टीथ अपियर वंस इन लाइफ टाइम, और दो बार आए लाइफ में डाइफाइलोट, टीथ अपियर ट्वाइस इन लाइफ टाइम, और पॉलीफाइलोट टीथ अपियर मेनी टाइम इन लाइफ टाइम। दांत आए गिर जाए, आए गिर जाए तो क्या बोलते हैं? पॉलीफाइलोडोंटिक, आए गिर जाए, आए गिर जाए, पूरी जिंदगी में एक बार आए तो मोनोफाइलोट, दो बार आए तो डाइफाइलोट। हमारे दांत कौन से? मैमल के। हम बोलते 20 एक बार आते हैं फिर गिर जाते हैं, वो 20 तो बाद में आएंगे, 12 नए आएंगे, तो 20 दांत तो डाइफाइलोट हो गए, जो शुरू में भी आए बाद में भी आए, 12 दांत हमारे एक बार आए, 32 आए बाद में, शुरू के 20 पहले वाले 20 तो बाद में 20 आ गए, वो तो डाइफाइलोट हो गए, दो बार आ गए, लेकिन 12 दांत तो एक बार आए ना, दूसरी बार आए, पहली बार नहीं आए। तो हमारे अंदर मोनोफाइलोट टीथ 12 होते हैं, डाइफाइलोट टीथ 20 होते हैं, और पॉलीफाइलोट टीथ हमारे अंदर नहीं होते। जो हमारे दांत मोनोफाइलोट डाइफाइलोट क्यों आए? क्योंकि वो थिकोडोंट है, क्योंकि वो दांत निकलते नहीं हड्डियों में से, तो टूटेंगे नहीं, इसलिए बार बार आते नहीं।